और रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। यह बहुत चिंताजनक भारत के लिए भी है, यह खबर बांग्लादेश से आ रही है। जिस बांग्लादेश में सेना और मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों हुए तख्ता पलट को छात्र क्रांति का नाम दिया गया, अब असली चेहरा बेनकाब हो गया है, असली चेहरा सामने आ रहा है। बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी बेलगाम सड़क पर गुंड उतर रहे हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि बांग्लादेश में मां दुर्गा की पूजा का खुलेआम विरोध हो रहा है। खुलेआम सड़कों पर इस्लामिक कट्टरपंथी नारे लगा रहे हैं कि वो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। जिन छात्रों को तख्ता पलट का चेहरा बताया गया, वो अपने कॉलेजों में इस्लामिक कानून शरिया लागू करने की मांग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, और हिंदुओं से कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं। आप ये तस्वीरें अलग अलग बांग्लादेश की देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश से खबर यह आई थी कि अजान के वक्त, यानी दिन में 5 बार अजान होती है, तो उसके 5 मिनट पहले कोई पूजा पाठ नहीं होगी, सब बंद कर दिया जाएगा। अजान और नमाज के वक्त पूजा पाठ और लाउडस्पीकर को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इसी से कट्टरपंथी संतुष्ट नहीं हुए, अब चाहते हैं कि दुर्गा पूजा आयोजित ही ना की जाए बांग्लादेश में। हालात ये कि खुलेआम सड़कों पर कट्टरपंथी निकल गए हैं और दुर्गा पूजा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट सुनिए। बांग्लादेश से एक वीडियो और सामने आ रहा है, खूब वायरल हो रहा है। ये ढाका के ही एक कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें छात्र इस्लामिक झंडा लेकर बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जहां सेना और कट्टरपंथियों ने जो तख्ता पलट किया था उसे मॉनसून रेवोल्यूशन और छात्र क्रांति का नाम दिया जा रहा था, लेकिन असलियत अब सबके सामने आ गई है। और जो छात्र आंदोलन की बात की जा रही है, जिस रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। एक हिंदू प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया गया है। एक महिला हिंदू प्रोफेसर ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, दुर्गा पूजा का विरोध करना गलत है। तो श्रेष्ठा हल्दर नाम की इस हिंदू प्रोफेसर पर आरोप लगाया गया कि उसने मुस्लिम छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। श्रेष्ठा हल्दर ढाका की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये है नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में जो नई सरकार बनी है, उसके राज में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उसकी एक झलक।